साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने के ये केस है। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की बुरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि अदालत ने उस्मान बुज़दार की बुरी जमानत में 28 मार्च तक तौसी कर दी है। अदालत का आइंदा समाअत पर नायब तफ्तीशी अफसर को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म है। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने का ये केस है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान जी, एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है, जबकि अदालत ने उस्मान बुज़दार की बुरी जमानत में 28 मार्च तक तौसी कर दी है। उस्मान बुज़दार ने नायब सवालनामे का जवाब जमा नहीं करवाया, तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, जबकि उस्मान बुज़दार ने नायब सवालनामे का जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत तलब की है। एहतसाब अदालत के जज शेख सज्जाद अहमद ने केस पर समाअत की है। अदालत ने आइंदा समाअत पर नायब तफ्तीशी अफसर को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है, जबकि नायब लाहौर ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज्यादा की इंक्वायरी शुरू कर रखी है। उस्मान बुज़दार ने गिरफ्तारी के खौफ से अदालत में अबूरी जमानत दायर कर रखी है, जो कि अदालत ने सरदार उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत जो है वो 28 मार्च तक मंजूर कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान।